अलवर उपचुनाव में भाजपा की करारी हार के बाद पार्टी विधायक ज्ञानदेव आहूजा की एक कार्यकर्ता से मोबाइल पर हुई बातचीत का ऑडियो वायरल हुआ है। चर्चा है कि यह ऑडियो रामगढ़ से भाजपा विधायक ज्ञानदेव आहूजा की पार्टी कार्यकर्ता ओम प्रकाश चौधरी से बातचीत का है। बातचीत में विधायक उपचुनाव में हार के लिए सरकार के शीर्ष नेतृत्व और पार्टी प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। भाजपा विधायक आहूजा अपनी विवादित शैली के लिए जाने जाते हैं। इससे पहले भी वे कई चर्चित बयान दे चुके हैं। उनका हालिया ऑडियो वायरल हुआ जिसमें साफ तौर पर आहूजा ने उपचुनाव हार के लिए शीर्ष नेतृत्व को दोषी बताया है। इस बातचीत में आहूजा ने शायराना अंदाज में कहा, जैसा किया है तूने वैसा ही तू भरेगा, तेरी बदी का बदला तुझको ही मिलेगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मैं तो 40,000 से हारा हूँ, फिर भी मस्त हूँ और अल मस्त हूँ, मोला हूँ, हरफन मोला हूँ। हार के कारण पर उन्होंने बताया कि सरकार बदनाम, जसवंत बदनाम। कार्यकर्ताओं से आहूजा का कहना था कि यह कोई तुम और मैं नहीं हारे, चुनाव 17 विधानसभा क्षेत्र में हुए, सभी में हार है, यह तो सरकार की हार है। माय डियर, हेलो, हाँ, अभी क्या कर रहे हो, क्या हुआ? वो काई मतलब लूट के दुनिया मार रही है, बहुत भयंकर हो गया काई हमें। जैसा किया है तूने वैसा ही तू भरेगा, तेरी बदी का बदला तुझको यही मिलेगा। जैसा किया है तूने खुश हो रहा था कितना, तू रुला के जब खुद पे बात आई, फिर क्यों ख्याल आया, फिर क्यों ख्याल आया, जैसा किया है तूने वैसा ही तू भरे। आ बता, अब तो मन भर गया? नहीं भरा ना, चक्कर क्या है? सुनो, मैं तो 40,000 से हारा हूँ, फिर भी मस्त हूँ और अलमस्त हूँ, मोला हूँ, हरफन मोला हूँ, बता। पर इतनी तगड़ी मार जो है सारी जिगसी पड़ी क्यों, चक्कर क्या रहा, ये कुछ समझ नहीं सकते आप? अरे तो वसुंधरा बदनाम, जसवंत बदनाम, सरकार बदनाम, ये तो सरकार आ रही है, तुम थोड़ी आ रहे हो, मैं थोड़ी आ रहा हूँ। ये तो 17 विधानसभा सीटों का चुनाव हुए, 8 अलवर के, 8 अजमेर के, 1 मांडलगढ़, 17 विधानसभा चुनाव में हारे हैं। तो तू ओम प्रकाश बजीज नहीं आ रहा हूँ, चौधरी ज्ञानदेव आहूजा नहीं आ रहा, सरकार आ रही है। विधायक ने ऑडियो में दावा किया कि उन्होंने पार्टी के संगठन महामंत्री रामलाल को पहले ही बता दिया था कि यदि सरकार के शीर्ष नेतृत्व और प्रदेशाध्यक्ष परनामी को नहीं बदला तो राजस्थान में भाजपा बुरी तरह हारेगी। अभी तो 3 उपचुनाव हैं, विधानसभा और लोकसभा में भी हारेंगे। नेतृत्व परिवर्तन के लिए कोशिश की बात पर उन्होंने कार्यकर्ता को 3 दिन से 1 महीने तक इंतजार करने की सलाह दी। नहीं, बात आपकी ठीक है, रोज पब्लिक ने मैडम से निकाला है, बात आपकी एकदम क्या 1,00,000% सही है, लेकिन जो मतलब है विपक्षी है वो तो हमको घुसने ही नहीं दे रहे गाँव में। अरे तो विपक्ष क्या करेगा, पक्ष क्या करेगा, यही होना था। तो फिर पहले क्यों नहीं बजाया आपने ये डंका, यही होना था तो पहले बजा देते, उल्टा सीधा डंका जो होता देखी जाती। बजा दिया 25 तारीख को, मेरे सभा से भी पहले 25 तारीख को रामलाल जी को दिल्ली महामंत्री संगठन ऐसा रामलाल जी और हम शायद लिख दिया कि तीनों टिकट मोह के कारण दी है, तीनों हारेंगे और पूरी तरह से हारेंगे। अगर नेतृत्व का परिवर्तन नहीं किया, माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी को नहीं बदला गया, तो बहुत बुरी हालत राजस्थान होने वाली है। अभी तो 3 उपचुनाव है, राजस्थान विधानसभा की और लोकसभा की, ये मैंने 25 को पत्र लिख दिया। 3 दिन के भीतर भीतर इसको मैडम को बदलो, अगर राजस्थान में कुछ करना है तो मुख्यमंत्री 1 साल के लिए कोई दूसरा लेकर आओ। वही मैडम आगे मैसेज भेजो, नहीं फिर मरेंगे अपन, फिर कहीं के नहीं रहेंगे। 3 महीने या 1 महीना 15 दिन लेके देखो, आप देखो भाई 1 महीना तो लेट हो जाएगी डिसीजन तुरंत, उसमें क्या है पब्लिक खुश हो जाएगी। हाँ हाँ, पब्लिक पब्लिक को अपन को भी तो खुश करना है ना, बताओ मतलब इतनी उम्मीद नहीं थी। देखो शहर से 28,000-27,000 शहर में 62,000 से जीता था, 27,000 से हारा है, 26 और 32 और 62 कितने हो गए,
एक मुल्ला वोट नहीं है मेरा, तो मैं जो 65,000 मुल्ला हुआ आपके 41 हो गए ना, आपके 41 हो गए ग्रामीण की, ग्रामीण की 26-27 है। अब कोई तगड़ी सी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करो बढ़िया सी। हाँ कल करो। ये ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, वहीं विपक्ष भी ऑडियो के वायरल करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। उधर विधायक आहूजा का मोबाइल बंद होने की वजह से उनसे इसकी पुष्टि नहीं हो पाई।